नमस्कार, मैं अंकुश यादव एक बार फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आ गया हूँ, जहाँ आज हम बात करेंगे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बिजगुरुकुल के बारे में। ये एक एफिलिएट मार्केटिंग का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग पहले सीखते हैं, उसके बाद हम उससे पैसे कमा सकते हैं। मोस्टली ये लोग वो लोग इसको वो लोग यूज़ करते हैं जो अपने स्टूडेंट होते हैं, जो अपने कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ अपना पॉकेट मनी निकालना चाहते हैं। एंड बहुत सारे मैक्सिमम लोग बड़े लोग भी करते हैं, बट मोस्टली जो रहते हैं यूज़ करते हैं आज के टाइम पे अपना पॉकेट मनी निकालने के लिए। तो इसको आज हम इस बात में बात करेंगे। इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, उसमें मैंने बताया था कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है और उसके कौन कौन से अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं और उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो आज उसके थर्ड नंबर के टाइप के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसमें आज हम बात करेंगे बिजगुरुकुल के बारे में। ठीक है, तो बिजगुरुकुल एक क्या है, बेसिकली एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसमें हम पहले सीखते हैं, उस कोर्स को खुद यूज़ करते हैं, देन हम उस चीज़ का प्रमोशन करते हैं, उसको सेल करते हैं, तो उससे हमें अर्निंग आती है, उससे हमें कमीशन मिलता है। तो उस वही बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिजगुरुकुल के अंदर 5 कोर्स होते हैं, जैसे कि एक कोर्स का नाम है मार्केटिंग मास्टरी, दूसरे कोर्स का नाम है ब्रांडिंग मास्टरी, तीसरे कोर्स का नाम है ट्रैफिक मास्टरी, चौथे कोर्स का नाम है इन्फ्लुएंस मास्टरी और पाँचवें कोर्स का नाम है फाइनेंस मास्टरी। तो इसमें आपको बता दूं कि आप बोलेंगे इसमें सिखाते क्या हैं, तो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ इसमें यह है कि आप पैसे कमाएं चाहे ना कमाएं, लेकिन अगर आप एक बार ये कोर्स ले लेते हैं तो आपके अंदर ऐसी ऐसी स्किल्स आ जाएंगी कि आप फ्यूचर में कभी भी बेरोजगार नहीं घूमेंगे। तो मार्केटिंग मास्टरी में हमें बताया जाता है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग मास्टरी में हमें बताया जाता है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग तो आप सभी को जानते होंगे डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, तो ये बताया जाता है मार्केटिंग मास्टरी में। देन उसके बाद जाती है ब्रांडिंग मास्टरी। तो ब्रांडिंग मास्टरी में बहुत सारे 5-6 कोर्स होते हैं, जैसे एक कोर्स सबसे पहले कोर्स होता है उसमें ब्रांडिंग मास्टरी में एडवांस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एडवांस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक ही कोर्स होता है, इससे आप समझ गए होंगे एडवांस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, मतलब पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करें, आप कैसे एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, वो इसमें आपको बताया जाएगा। एडवांस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उसका पूरा एक कोर्स आपको दिया जाएगा। सेकंड चीज आपको क्या सिखाई जाती है इसमें, वीडियो सुपरस्टार। ये वीडियो सुपरस्टार कोर्स उन लोग के लिए है जो लोग यूट्यूब पे अपना चैनल बनाना चाहते हैं या इंस्टाग्राम के में या और अलग प्लेटफॉर्म जिसमें आप वीडियो के थ्रू लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, जिसी भी प्रकार के वीडियो से अपना डर कैसे हटाएं, कैसे वीडियो बनाएं, कैसे वीडियो एडिट करें, ये सब इस कोर्स में सिखाया जाता है। देन थर्ड नंबर पर हम बात करें, थर्ड नंबर पर ये सिखाते हैं हमको फेसबुक मैसेंजर मार्केटिंग, मतलब कि फेसबुक में मैसेज के थ्रू आप कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, कैसे अर्निंग कर सकते हैं, कैसे पैसा कमा सकते हैं, ये कोर्स यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है ब्रांडिंग मास्टरी के अंदर। चौथे नंबर पर क्या है, चौथे नंबर पर सिखाया जाता है बेसिक इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड, सीधे बोलता हूँ इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड, मतलब कि इंस्टाग्राम में आप कैसे इंस्टाग्राम से आप लोगों से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे आप वहाँ से पैसे कमा सकते हैं, किस किस टाइप से आप इंस्टाग्राम की हेल्प ले सकते हैं और इंस्टाग्राम आपके लिए क्या क्या फायदेमंद है, उस तरह से सिखाया जाता है। फिफ्थ नंबर पर आपको बताएंगे कि ये लोग बताते हैं स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश बोलना आजकल हर कोई मतलब हर कोई के लिए इंडिया में तो जरूरी हो गया, इंग्लिश आना चाहिए, तो इंग्लिश स्पोकिंग स्पोकन इंग्लिश आपको यहाँ पे सिखाते हैं। देन सिक्स नंबर पर आपको यहाँ पे सिखाते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, जो आप एफिलिएट मार्केटिंग में जैसे आपको मैं बता चुका हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है, प्रोडक्ट खुद यूज़ करते हैं फिर सेल करना पड़ता है, तो वो सब आप एफिलिएट मार्केटिंग से अच्छा खासा पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो आज इंडिया में ऐसे हज़ारों लोग हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग से लाखों रुपये कमा रहे हैं, मैं खुद इस बिजनेस थ्रू बहुत सारा पैसा अर्न कर चुका हूँ, तो यही सिखाएंगे एफिलिएट मार्केटिंग से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, उसमें आप पकड़ कैसे बना सकते हैं। तो छठवें नंबर पर ये सिखाया जाता है। एंड सातवें नंबर पर आपको सिखाया जाता है मिलेनियर सक्सेस पॉइंट, मतलब सिखाना नहीं, इसमें आपको बताया जाता है कि लोग जो मिलेनियर लोग हैं आज इंडिया में या विदेश में, वो लोग कैसे मिलेनियर बने, उनकी जो जर्नी होती है वो आपको यहाँ पे बताई जाती है, दिखाई जाती है उनके इंटरव्यू के थ्रू। तो ये किस कोर्स के अंदर आता है, ब्रांडिंग मास्टरी के अंदर आता है। देन आप बात कर रहे हैं ट्रैफिक मास्टरी की, तो सिंपल सिंपल शब्दों में मैं आपको बता देता हूँ, अब ज़्यादा बड़ा अब एक एक कोर्स के बारे में बताएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम खिंच जाएगा, कोर्स तो बहुत है। तो ट्रैफिक मास्टरी में आपको सिखाया जाएगा कि आप कोई भी, जैसे आप कोई चीज़ प्रोडक्ट, आपकी खुद की कोई कंपनी है, आप उसको प्रोडक्ट को सेल करना है, तो आप उसके लिए ट्रैफिक कहाँ से लाएंगे,
ट्रैफिक मतलब आप वहाँ से लोग कहाँ से लेते हैं, आप किसको सेल करेंगे, आप उनको ढूंढेंगे कहाँ से, तो वो सिखाया जाता है कि आप लोग कैसे ढूंढें, आप अपने प्रोडक्ट के लिए, अपनी कंपनी के लिए, आपकी जो भी मार्केटिंग है उसको करने के लिए आप लोग कहाँ से लाएंगे, आप कैसे लोगों को बताएंगे। तो वो ट्रैफिक मास्टरी के कोर्स में आपको बताया जाता है यूट्यूब के थ्रू कैसे लाएँ, इंस्टा के थ्रू कैसे लाएँ, फेसबुक के थ्रू कैसे लाएँ, ये सब आपको ट्रैफिक मास्टरी में सिखाया जाता है। देन बात करेंगे इन्फ्लुएंस मास्टरी की, इन्फ्लुएंस मास्टरी में आपको क्या पॉडकास्ट करना सिखाया जाता है, ठीक है, आपको कंटेंट राइटिंग सिखाई जाती है, आपको सिखाया जाता है कंटेंट राइटिंग सिखाएंगे, पॉडकास्ट सिखाएंगे, देन आपको सिखाया जाएगा क्या सिखाया जाएगा आपको, हाँ, पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़रूरी, पब्लिक स्पीकिंग आपको सिखाई जाती है, और आपको सिखाया जाता है सेल्स कैसे करते हैं, आपको सिखाया जाता है इन्फ्लुएंस मास्टरी में। देन फिर आता है अपना फाइनेंस मास्टरी, तो फाइनेंस मास्टरी में अपन को सिखाया जाता है कि आप फाइनेंस मास्टरी, आप पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ कितना यूज़ करना है, किस चीज़ का कहाँ उपयोग में लाना है, ये सब आपको फाइनेंस मास्टरी में सिखाया जाता है। तो ये पांच कोर्स बिल्कुल प्रोवाइड करती है, तो मैं आपको इनके रेट बताऊंगा कि कौन सा प्रोडक्ट कितने रेंज में आता है। ये तो लर्निंग की बात हुई कि आप यहाँ से क्या क्या सीख सकते हैं बिजगुरुकुल के ये कोर्स खरीद के, ठीक है। अब ये कोर्स आएंगे कितने में वो आपको बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, ये कोर्स आएंगे कितने के वो आपको बात करते हैं अपन। तो फर्स्ट में आता है अपना मार्केटिंग मास्टरी, मार्केटिंग मास्टरी, तो इसकी जो वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस है, वो है कितना, मार्केटिंग मास्टरी का कॉस्ट प्राइस है समथिंग आप ले लो 2500 रुपये। लेकिन अगर आप किसी के जो बिजनेस ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जो बिजनेस ग्रुप से मैं पहले से काम कर रहा है, जैसे मैं, तो अगर आप मान लो मेरी रेफरल लिंक से आप लेते हो, तो ये आपको 2500 का कोर्स सिर्फ मिल जाएगा 1500 में। अगर आप डायरेक्ट लोगे तो आपको ये 2500 मिलेगा, लेकिन आप मेरे थ्रू लोगे या किसी भी ऐसे बिजनेस ग्रुप जो आपको इसके बारे में बताया है उसके थ्रू लोगे, तो आपको ये सिर्फ मिलेगा 1500 रुपये में। क्या मार्केटिंग मास्टरी, इसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाया जाता है, बता दिया था मैंने, ठीक है। उसके बाद आता है अपना ब्रांडिंग मास्टरी आता है अपना, इसकी ओरिजिनल वैल्यू कॉस्ट प्राइस है 4999 रुपये, ठीक है। लेकिन अगर ये आप मेरे थ्रू या आपको जिसने बताया बिजनेस ग्रुप का पहले से जो बंदा है उसके थ्रू आप लोगे, तो ये आपको पड़ेगा 3500 रुपये में, 3500 रुपये में। लेकिन थर्ड नंबर में बात करेंगे अपन किसकी, इन्फ्लुएंस मास्टरी की, नहीं ट्रैफिक मास्टरी की। तो ट्रैफिक मास्टरी की बात करते हैं अपन, ट्रैफिक मास्टरी का जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है वो है 8999 रुपये, 8999 रुपये। लेकिन अगर आप ये मेरे थ्रू या बिजनेस के किसी बंदे के थ्रू लेते हो, तो आपको ये पड़ेगा 5999 रुपये में, 5999 में आपको पड़ जाएगा। देन फिर फोर्थ नंबर पे आता है अपना इन्फ्लुएंस मास्टरी, इन्फ्लुएंस मास्टरी का ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है 14499 रुपये। लेकिन अगर आप ये मेरे थ्रू लेते हो, तो आपको ये 9999 रुपये में मिल जाएगा। देन फिफ्थ में आता है फाइनेंस मास्टरी, फाइनेंस मास्टरी इसकी और कॉस्ट वैल्यू 20000 रुपये। लेकिन अगर ये आप मेरे थ्रू लेते हो, तो ये आपको पड़ जाएगा 14999 रुपये में मात्र। तो सब कोर्स में अलग अलग चीज़ सिखाई जाती हैं, इसलिए उसके हिसाब से उसका प्रोडक्ट का प्राइस है, उस कोर्स का प्राइस है। तो ये आपकी होगी लर्निंग की बात, आप इससे इसे कैसे सीख सकते हो, इससे आप क्या क्या सीख सकते हो, एंड आप इसको कितने में खरीद सकते हो। जैसे अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखना तो वो कोर्स 1500 रुपये का है, अगर आपको ब्रांडिंग मास्टरी सीखना तो वो कोर्स 3500 रुपये का है, अगर आप ट्रैफिक मास्टरी खरीदते हो तो उसका कोर्स है 5999 का समथिंग 6000 रुपये, अगर आप इन्फ्लुएंस मास्टरी खरीदते हो वो 9999 रुपये की, एंड आप फाइनेंशियल मार्केटिंग सीखते हो तो वो है 15000 रुपये की। तो ये कोर्स के ऊपर रहता है, कोर्स की क्वालिटी के ऊपर रहता है, सब में अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती हैं। लेकिन अगर आपको बता दूं, अगर आप एमएम ये लोगे, मतलब मार्केटिंग मास्टरी लोगे, तो आपको 1500 रुपये की पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर ब्रांडिंग मास्टरी लोगे आप, तो ब्रांडिंग मास्टरी आपने 3500 रुपये मिली है, इसके कोर्स तो आपको मिलेंगे, साथ में फ्री में आपको मिल जाएगा क्या, मार्केटिंग मास्टरी। एंड आप ट्रैफिक मास्टरी लोगे तो आपको ये ट्रैफिक मास्टरी के साथ ये दोनों चीज़ें फ्री मिल जाएंगी। एंड आप इंस्टाग्राम और इन्फ्लुएंस मार्केटिंग लोगे तो आपको ये चारों चीज़ फ्री मिल जाए, चारों चीज़ मिल जाएंगी। एंड आप ये लोगे तो आपको पूरा कोर्स एक साथ मिल जाएगा, पूरा कोर्स आपको 15000 रुपये मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये लोगे तो आपको 4 कोर्स मिलेंगे, ये लोगे तो आपको 3 कोर्स मिलेंगे, ये लोगे तो आपको 2 कोर्स मिलेंगे, और ये लोगे तो आपको एक ही कोर्स मिलेगा। तो ये अपन ने बात करें आप कैसे ये कोर्स खरीद सकते हो, आप इन कोर्स से क्या क्या सीख सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो,
आप ब्रांडिंग मास्टर, ब्रांड कैसे बनाना वो सीख सकते हो, ट्रैफिक मास्टर, ट्रैफिक कैसे लाना वो सीख सकते हो, इन्फ्लुएंसर कैसे बनना वो सीख सकते हो, पैसे कैसे बचाना है, कैसे सेव करना है, कहाँ से कितना पैसा अपन अर्न कर सकते हैं वो आप यहाँ से सीख सकते हो। तो ये था लर्निंग की बात हुई है। अब बात करते हैं अर्निंग की, कि भैया आपने बता तो दिया कि ये कोर्स खरीदेंगे ये सीखने मिलेगा, लेकिन ये तो सीख लिया, इसमें फ़ायदा क्या हमारा, वॉट इज़ योर प्रॉफिट, वॉट इज़ योर माइंड प्रॉफिट, इसमें फ़ायदा क्या है आपका। तो अगर आप लेते हो मार्केटिंग मास्टरी का कोर्स मेरे थ्रू या किसी और के थ्रू 1500 रुपये में, ठीक है, तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपने ये कोर्स लिया, अब आप डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग कंटेस्ट सीख जाओगे, आप डिजिटल मार्केटिंग में वो बन जाओगे, क्या बोलते हैं उसको, प्रो प्रो बन जाओगे डिजिटल मार्केटिंग में, या आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली। बट इसमें आपको ये फ़ायदा रहेगा कि अब आप चाहो तो, अगर आपको उसके थ्रू पैसे भी कमाना है तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप किसी और को शेयर कर सकते हो, ये आपके पास तो रहेगा ही, लाइफ टाइम रहेगा आपके पास, लाइफ टाइम रहेगा ये कोर्स आपके पास। लेकिन अगर आप चाहो तो किसी और को शेयर कर सकते हो, जैसे कि आपने किसी और को सजेस्ट किया, मैं हूँ, मेरे दोस्त का नाम है राम श्याम, राधे श्याम, जो कुछ भी नाम है, मैंने उसको शेयर किया कि भाई ये कोर्स ऐसा ऐसा है, मैं हूँ, ये मेरा दोस्त है, ये कोर्स ऐसा ऐसा है, इसकी कॉस्ट प्राइस 1500 रुपये है, तू लेगा तो तेरे को डिजिटल मार्केटिंग सीखने को मिल जाएगी, एंड तू अगर और इसको शेयर करेगा तेरे को उससे पैसे मिलेंगे। तो तेरे को पैसे कितने मिलेंगे, 1500 रुपये का मैंने इसको दिया, अब मेरे को उसमें सीधे सीधे कमीशन मिल जाएगा 800 रुपये का। 800 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती है, सिर्फ एक प्रोडक्ट को सेल करने में 800 रुपये आपको उसमें पैसे मिलेंगे। सोच सकते हैं आप कि सिर्फ एक शेयर करोगे आप, जैसे मैं अभी आपसे कोई ये चीज़ बता रहा हूँ यूट्यूब चैनल पर, अब आप मेरे थ्रू ये चैनल, ये एक लोग, ये लोग मार्केटिंग मास्टरी आपने ले लिया, तो आपने लिया तो मेरे को उसमें मिलेंगे 800 रुपये, ठीक है। देन फिर अपन बात, इसके बाद क्या आता है अपना ब्रांडिंग मास्टरी, जिसकी जिसका अगर आप हमारे थ्रू लोगे तो वो मिलेगा आपको 3500 रुपये में। लेकिन अगर हम आपको फिर अगर हमने किसी और को शेयर किया, आपने किसी और को शेयर किया, आपने अपने दोस्त को शेयर किया, उसने आपसे 3500 रुपये वाला ले लिया, तो आपको उसमें कितना कमीशन मिलेगा पता है, बहुत बड़ा कमीशन मिलने वाला, वो है कमीशन 2000 रुपये का। 2000 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती है अपने आप में, महीने में अगर आप 5 बार भी किसी को शेयर कर रहे हो ना, 5 लोग भी ले रहे हैं आपसे, 5 × 2 = 10000, सीधे सीधे 10000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है आपका। और अगर आप स्टूडेंट हो तो 10000 रुपये आप में बहुत बड़ी बात होती है, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है 10000 रुपये कमाना, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप वो लेते हो ट्रैफिक मास्टरी का कोर्स, ट्रैफिक मास्टरी कोर्स है 6000 रुपये का, मतलब 5999 6000 रुपये। लेकिन अगर ये कोई मेरे थ्रू लेता है, मैं कोर्स तो सीख लिया, अब मेरे थ्रू कोई ये कोर्स लेगा, बिल्कुल से जुड़ेगा मेरे थ्रू, तो उसमें मेरे को मिलेंगे 4000 रुपये। सोचिए 4000 रुपये सीधे सीधे मिल रहा है मेरे को। देन फिर आता है अपना क्या इन्फ्लुएंस मास्टरी, वो है 10000 रुपये का, अगर वो मेरे थ्रू कोई लेता है तो उसमें मेरे को 6000 से 7000 रुपये कमीशन मिल जाता है, 6000 से 7000 रुपये। देन फिर आता है फाइनेंशियल मास्टरी, वो है 14000 रुपये का, उसमें सीधे मेरे को 10000 रुपये कमीशन मिल जाएगा। सोचो आप इतना, मतलब सिर्फ आपको एक प्रोडक्ट सेल करना और 800, 2000, 6000, 10000, 4000 ऐसे आपको कमीशन मिल रहे हैं। तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई सिर्फ एक प्रोडक्ट सेल करने में तुमको इतने पैसे क्यों मिल रहे हैं, हमको बेवकूफ़ बना रहे हो तुम। तो भाई हम तुमको कोई बेवकूफ़ नहीं बना रहे, ना कंपनी तुमको बेवकूफ़ बना रही है, बहुत सारे लोग अभी भी अर्न कर रहे हैं, मैं खुद अर्न कर रहा हूँ। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि कंपनी इतना ज़्यादा कमीशन देती क्यों है, कंपनी इतना ज़्यादा कमीशन क्यों देती है। तो देखो कंपनी ने क्या की, कंपनी ने वीडियो बना के रख ली, ठीक है, कंपनी ने क्या की वीडियो बना के रख ली, मतलब कोर्स का एक वीडियो बना के रख ली है पूरा, जिस लगे आप प्लेलिस्ट देखते हो यूट्यूब में, तो उसने पूरा एक कोर्स का वीडियो बना के रख ली है, उसने 5000 से 2000 वीडियो बना के रख ली है अपने कोर्स में। अब वो कोर्स में अगर कोई लॉगिन करता तभी वो कोर्स उसको मिलेगा, तो लॉगिन फीस है समझ लो 3500 रुपये। तो कंपनी का क्या है, कंपनी ने तो कोर्स बना दी, उसका एक बार बस इन्वेस्टमेंट हुआ, अब जब भी कोई उससे बंदा लेगा तो कंपनी को सीधे सीधे 3000, मतलब किसी मैंने आपको थ्रू किया तो कंपनी मेरे को 2000 रुपये दे रही है और 1500 वो खुद रख रही है, तो उसको जो 1500 मिल रहे हैं सोचिए, बस उनने एक बार वीडियो बना के छोड़ दी है, अब उसको एक कोर्स में 1500 रुपये मिल रहे हैं, तो बंदा तो करेगा ही ना यार, उसको हर एक शेयर में 1500 रुपये मिल रहे हैं। अब सोचिए, अब मेरे जैसे कंपनी के लिए, मैं अकेला काम नहीं कर रहा, मेरे जैसे कंपनी के लिए सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, तो हर दिन वो कम से कम 1000 लाखों रुपये का टर्नओवर कर रही है। इसलिए कंपनी सिर्फ एक शेयर पे अपन को इतना ज़्यादा कमीशन देती है, क्योंकि उसका अब कोई प्रोडक्ट बना नहीं रही, बस वो एक बार बना के छोड़ दिया, अब उसको कोई प्रोडक्ट वैल्यू नहीं है, मतलब वो किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर रही, बस उसने एक बार इन्वेस्ट की हो गया उसका काम, अब वो सिर्फ बैठे बैठे पैसे गिन रही है और कुछ नहीं है, इसलिए वो कंपनी इतना ज़्यादा कमीशन अपन को देती है। तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो एक बार फिर से बता दूँ कि अगर आप एक स्टूडेंट हो, मैंने हर अपने हर एक वीडियो में बताया है आपको
कि आपको स्किल्स सीखना चाहिए ताकि फ्यूचर में आपको नौकरी ना लगे या आप जो चाह रहे वो ना हो, तो आप उस स्किल्स के थ्रू अपने अर्निंग कर सकते हो। आप ऐसे मतलब बेरोजगार नहीं घूमोगे। तो फैसला बताता हूँ आप इससे क्या कर सकते हो। पहली चीज़ लर्न कर सकते हो। लर्न कैसे कर सकते हो? आप नई नई स्किल्स सीख सकते हो, ठीक है, नई नई स्किल्स सीख सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह वगैरह। तो इतनी अच्छी स्किल्स जो आपके लाइफ में बहुत काम आने वाली है, चाहे वो इस फील्ड में हो चाहे किसी भी फील्ड में हो, ठीक है। देन दूसरी चीज़ हमें लर्न कर ली, आपने बहुत अच्छी चीज़ सीखी, स्पोकन इंग्लिश सीखी, आपने इंस्टाग्राम चलाना सीखा, आपने वीडियो बनाना सीखा, आपने वीडियो एडिटिंग सीखी, आपने फोटो एडिटिंग सीखी, तो बहुत सारी चीज़। एंड इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, आप ये चीज़ सीखते हो ना तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, बहुत बड़ी चीज़ है। और वही मान्यता प्राप्त हो, गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त, आपको सर्टिफिकेट मिलता है, आप उसको कहीं भी लगा के आसानी से जॉब ले सकते हो उससे रिलेटेड चीज़ पे। तो सोचिए इतनी बड़ी बात हो जाती है कि सर्टिफिकेट दे रही कंपनी को भी गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त। तो ये बेनिफिट है आपका, अगर आपको आपने बिना आपको पैसा नहीं कमाना, आपके पास बहुत पैसा, लेकिन अगर आपको सीखना तो भी आपको ये कोर्स लेना चाहिए सीखने के पर्पज़ से, पैसे कमाने वाली दूसरी बात है। देन सेकेंड नंबर पर आता है अर्निंग, ठीक है, अर्निंग आती है सेकंड नंबर पर। तो आप यहाँ से सोचिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप खुद का खर्चा निकालना चाहते हैं, मैक्सिमम मेरे जैसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनको घर से पैसे मांगने में थोड़ा हिचकिचाहट होती है कि इतने बड़े हो गए फिर भी पैसे मांग रहे हैं, तो अगर वो बंदा चाहता है कि वो भी अपने पॉकेट मनी खुद से निकाले तो वो भी ये कोर्स ले सकता है। देखिए 800 रुपये अगर एक बंदे को कोई प्रोडक्ट सेल करने पर मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो दिन में एक प्रोडक्ट भी सेल करेगा ना तो महीने के उसके कहीं नहीं गए 25,000 रुपये। तो ये, और अगर 2,000 रुपये उसको मिल रहे हैं तो और अच्छी बात है। तो वो अपने ऊपर है यार कि किसी चीज़ पे ट्रस्ट करना है कि नहीं करना। मैं तो कमा रहा हूँ, बहुत सारे लोग लाखों लोग कमा रहे हैं। मैं एक ऐसी मैम को जानता हूँ जिनका नाम है मुनीरा, क्या नाम है, कहाँ, मुनीरा सदफ। वो पिछले साल फरवरी से अभी तक की जनवरी तक उनने अभी तक वहाँ से बिजकुल से 63 लाख रुपए कमाए हैं, 63 लाख रुपए सिर्फ एक साल की अर्निंग उनकी बिज गुरुकुल के थ्रू, बस यही प्रोडक्ट सेल करके। उन्हें पहले स्किल्स सीखी, उसके बाद उसने अर्निंग किया, वो उसको दिन में कम से कम 20,000 रुपये तो इजीली कमा लेती, 20,000 नहीं बोले 10,000 रुपये वो दिन में आराम से कमा रही है बिज गुरुकुल के थ्रू। तो सोचिए एक साल में उसने 63 लाख रुपये कमाई सिर्फ प्रोडक्ट सेल करके, वो भी इंस्टाग्राम के थ्रू। तो वो सब क्या सिखाता है, बिज गुरुकुल हमें पहले सिखाता है कि कैसे हमें वो चीज़ करना है, देन फिर अपन उस चीज़ को अप्लाई करते हैं तो अपने पास पैसा आता है। तो पहले आपको सीखना पड़ेगा, फिर आप वो चीज़ में इंप्लॉयमेंट करोगे तो आपके पास पैसा आएगा। तो यही था आज के वीडियो में कि बिजनेस के थ्रू आप लर्निंग भी कर सकते हैं और अर्निंग भी कर सकते हैं। एंड मैं अपने लिंक में ऐसे बिजनेस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, अगर आप उससे प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो आप उस लिंक के थ्रू जाकर और मेरे रेफरल कोड यूज़ करके वो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, वो कोर्स खरीद सकते हैं। तो आपके भी सीधे सीधे कितने रुपये बच जाएंगे, वो जैसे 1500 वाला कोर्स था 2500 रुपये का, लेकिन अगर मेरे थ्रू लोगे तो आपको 1500 रुपये में पड़ेगा, ठीक है। वो 4,999 वाला कोर्स मेरे थ्रू लोगे तो आपको 3500 रुपये का पड़ेगा। तो यही है, अगर आप वो कोर्स लेना चाहते हो और अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। किस नंबर पर, इस नंबर पर मैं स्क्रीन में भी दे दूंगा, 6261029738। तो करिए और एनरोल करिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप अभी खाली बैठे हैं, आप भी चाहते हैं पैसे कमाने हैं ऑनलाइन, तो ये काम आप कर सकते हैं, अच्छी खासी आपकी पॉकेट मनी हो जाएगी और आप ऐसी ऐसी स्किल्स सीख लेंगे जो आपके फ्यूचर में भी बहुत काम आने वाली है। तो धन्यवाद आज के वीडियो में। अगर आपके वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसे न्यू न्यू वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।